दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में हमें हर रोज कुकिंग ऑयल यानी एडिबल ऑयल की हर रोज जरूरत होती है। फिर चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल हो या फिर रिफाइंड ऑयल हो। पर जब से कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है, तब से लेकर आज तक इसकी कीमत बढ़ता ही जा रहा है। अब तक पिछले 6 महीने में इसकी कीमत 50% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले महीने इसकी कीमत 15% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। पर इसकी प्राइस ऐसे बढ़ क्यों रहे हैं? कब इसकी प्राइस नॉर्मल होगी? और इसके लिए हमारी सरकार ने क्या क्या है और क्या कर सकती है, इसके बारे में पूरी डिटेल में समझते हैं। इसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं, सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। SEA यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार पिछले 6 महीने में सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल की प्राइस में 40% की बढ़ोतरी हुई है, सनफ्लावर ऑयल में 52% की बढ़ोतरी हुई है, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में 34% की बढ़ोतरी हुई है, रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में 33% की बढ़ोतरी हुई है, रिफाइंड पाम ऑयल में 37% की बढ़ोतरी हुई है। एडिबल ऑयल की बढ़ती कीमत की पहला कारण यह है कि पूरी दुनिया में कोरोना को फैलाकर चाइना अपनी इकोनॉमी को खुद जल्दी से रिकवर कर लिया और अब वो खुद पिछले 3-4 महीने से एडिबल ऑयल की भारी मात्राओं में इम्पोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट में एडिबल ऑयल की शॉर्टेज दिख रही है और डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए इसकी कीमत बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा रीजन ये है कि हम पाम ऑयल के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेबल हैं, पर इस साल कोरोना की वजह से वहाँ लेबर की कमी के कारण वहाँ पाम ऑयल की प्रोडक्शन बहुत कम हुई है, इसीलिए इसकी कीमत बढ़ता ही जा रहा है। तीसरा रीजन ये है कि इंडिया अपनी मैक्सिमम सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना और ब्राजील से इंपोर्ट करता है, पर वहाँ इस साल ड्रॉट के कारण वहाँ भी प्रोडक्शन घट चुका है और अर्जेंटीना में ऑयल शिपिंग को लेकर स्ट्राइक चल रहा है, जिसकी वजह से सोयाबीन ऑयल की कीमत बढ़ चुका है। फोर्थ रीजन ये है कि ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज अपनी एक्सपोर्ट टैक्स बहुत बढ़ा चुके हैं, जिसकी वजह से एडिबल ऑयल की कीमत बहुत बढ़ चुका है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। SEA यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट पर भारत सरकार ने अपनी 10% की इंपोर्ट चार्जेस को विड्रॉ कर लिया है, पर अब और क्या कदम ले सकते हैं? COVID-19 की वजह से ऐसा सिचुएशन पहली बार गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ी है, पर इसे फ्यूचर में कम्प्लीटली प्रिवेंट करने के लिए हमें अपनी स्टोरेज यूनिट की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। हमें हमारे किसानों को ऑयल की प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देने होंगे, ऑयल प्रोडक्शन के लिए लोगों को भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा और चौथे नंबर पर कालाबाजारी को रोकनी पड़ेगी।